नहीं चाहिए सारी बातें सकता हूँ। एक नया ब्लॉग लेके अभी आपने मेरा लास्ट ब्लॉग अभी क्या बोलते हैं पिछले मंडे को देखा होगा, अभी मैं वही अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैं वही अपलोड कर रहा था। अपलोडिंग पे लगा रखा है कितना टाइम नहीं बता रहा, 7 मिनट। हाँ तो वो अपलोडिंग पे लगा रखा है, देखो कितना कंसिस्टेंट हो रखा हूँ। अभी लास्ट वीक मतलब ये जो वीडियो आपने देखी होगी या इस मंडे को, अब ये वीडियो मैंने दोबारा मंडे को डाली, कितना कंसिस्टेंट हो रखा हूँ मैं। बाय द वे मैंने न्यू हेयर कट लिया था और ये मेरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं। हाँ तो मैं बता दूँ कि आज मंडे है 18 अक्टूबर और अभी दोपहर हो रही थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट स्टार्ट अ ब्लॉग, और आज कल परसों मतलब 6 दिन फिर से, फिर मंडे को अपलोड कर दूँगा, फिर ऐसे करते जाएंगे और धीरे धीरे एक बढ़िया ब्लॉगर बन जाएंगे। आई एम सो स्मार्ट। गुड मॉर्निंग। यू नो मेरी लाइफ की मेन दिक्कत क्या है? नींद। मुझे नींद नहीं मिलती, मतलब एक जो सेटिस्फैक्ट्री टाइम आई डोंट थिंक किसी को भी मिलती होगी, कोई भी स्टूडेंट होगा। हाँ तो देखो 7 से 8 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट नहीं मिल पाती। 5 से 6 घंटे की, इस 5.5-6 घंटे से ज़्यादा भाई मिलता नहीं मौका, संडे तक को नहीं मिलता। संडे को भाई 2:30 बजे सोता हूँ, रात में सुबह मम्मी 8 बजे उठा देती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ना तो स्कूल जाए, स्कूल से आके मिलता हूँ। अरे मैं कितना बढ़िया ब्लॉग कर रहा हूँ, स्कूल जाते हुए स्कूल से आते हुए सब टाइम ब्लॉग बनाता हूँ। आई एम द बेस्टेस्ट ब्लॉगर ऑफ दिस वर्ल्ड। बेस्टेस्ट कोई वर्ड भी होता है? होता होगा, मैं भी सुना सुना सा तो लग रहा है। बट ये फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है ना, पीछे से धूप धूप आ रही है। अगर ध्यान से सुनोगे तो देखो चिड़िया विड़िया की आवाज़ आ रही होगी यहाँ, आई चिड़िया विड़िया की आवाज़। हाँ तो यहाँ चिड़िया थोड़ी घूमती रहती है, ये थोड़ा ऐसे ही एरिया है जहाँ चिड़िया विड़िया ज़्यादा फिरती है। हाँ तो यही चिड़िया विड़िया फिरती रहती है यहाँ, और बस भी आने वाली है, अभी गेट पे ही जा रहा था। अभी दिक्कत की बात हो गई एक, वैसे जो हमारी बस की टाइमिंग रहती है वो रहती है 7:15-7:10 की, और अभी टाइम क्या हो रहा है 7:03 और 7:03, और आज बस गई, वाह कितनी बढ़िया बात हो गई है। हाँ तो और इस मैडम के पेपर चल रहे हैं तो गाड़ी से जाना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो 7 बजे से पहले आते थे बट बस 7:15 पे आती थी, तो हमने सोचा आज थोड़ा लेट चलते और आज बस जल्दी आ गई। तो चलो इसी बहाने आप लोगों को थोड़ी और व्लॉगिंग देखने को मिल जाएगी आज की। ऐसे मेरे लाइफ में तो कुछ रहता नहीं है, तो आज कुछ अलग हुआ, मेरा अलग तो नहीं है, एक आधा बार पहले भी गाँव का आते बट हाँ थोड़ा डेली से अलग हुआ। स्कूल आ ही गया और बस अब मैं बैग उठा के भग लिया, वैसे ही आज लेट हो गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं इतना नहीं चलता है। मैं बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं। ओके तो मुझे घर आए लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं, बट कुछ हुआ नहीं दिन में, मतलब तब से जब से स्कूल से आया तब से कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने सोचा क्या ही बताऊंगा वीडियो में। बट अब मैं सोचा था नहीं यू नो कि जब सर्दी आती है, आई मीन अक्टूबर से मतलब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है, अक्टूबर आता है तो स्कूल धीरे धीरे लेट होने लगते हैं, मतलब सर्दियों के टाइम स्कूल लेट होने लगते हैं, बट नहीं यहाँ उल्टा है, यहाँ सर्दियों के टाइम जल्दी हो गए स्कूल। पहले 7:30 का स्कूल था, 7 बजे का होगा। ओहो देख रहे हो। ओके तो मैं बाहर गया था और पूरा गाँव आई मीन पूरा शहर छानने के बाद ना मुश्किल से एक दुकान मिली जिसपे मोमोस मिलते हो, और वो भी ठीक ठाक, ऐसे कुछ खास मोमोस नहीं रहते और चटनी तो खाने लायक नहीं रहती, तो भाई एंजॉय व्हाट वी हैव। ओके सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और एक थका हुआ इंसान स्कूल से मजदूरी आई मीन पढ़ाई करके आ चुका है, और हाँ बस इतना ही हुआ अभी सुबह से, टाइम पास बस मेरा ऐसे ही चल रहता है ज़िंदगी में, मैं कुछ ऐसा खास करता नहीं हूँ। सो यू नो अगर तुम बाहर कहीं जा रहे हो और ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बोलना सही रहेगा, कि तुम बता सकते हो कि आप मैंने ये गया यहाँ गया ये देखा, बट जब तुम घर पे बैठ के बना रहे हो ब्लॉग तो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या बोलने। ज़िंदगी में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा, तो फाइनली मैंने स्क्विड गेम देख ली, ये नहीं क्योंकि मैं क्या बोलते कोरियन सीरीज़ देखता हूँ, मतलब के ड्रामा कहते हैं, यस ये नहीं क्योंकि भाई इतना हाइप बन रखी थी उसकी, भाई इतनी पॉपुलर हो रखी थी, हर रील देखो भाई स्क्विड गेम तो भाई देखनी पड़ी, प्रेशर आ गया था तो देखनी पड़ी। और बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरा मेन चैनल जिस पे 165 सब्स है,
वो डेड पड़ा, मतलब 5 महीने से उस पर वीडियो नहीं डाली क्योंकि भाई टॉपिक नहीं मिल रहा। बीच में जोगिंदर भैया आए थे हमारे, बट यार नहीं नहीं बना पाया मैं, क्या करे। तो यार कोई टॉपिक बढ़िया सब हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं फ्राइडे तक अपलोड कर दूँ, मतलब क्या बोलते हैं मेन चैनल पे वीडियो, बट नहीं कर पाया। और आई डोंट, आज थर्सडे है तो आई डोंट थिंक आज बना पाऊँगा, और फिर कल अगले ये हफ्ता मैं स्किप कर देंगे, अगले हफ्ते डालेंगे। ओके तो स्कूल से मैं आ चुका हूँ, और कल क्या बोलते हैं पीटीएम भी है, तो जहाँ तक कुछ और भी मिलेगा क्या बोलते कंटेंट बनाने को, अभी तो फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा, घर पे ही पढ़ा हूँ मैं। पहले मैंने सोचा था कि आज वाला पीटीएम वीटीएम का सीन दिखाऊंगा, मतलब स्कूल में क्या क्या चलता है, बट फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं करने वाला मैं, क्योंकि मैं आज स्कूल ही नहीं गया। पीटीएम वीटीएम कौन कौन अटेंड करे, ऐसे फालतू के काम हम नहीं करते। ओके सो आज का दिन भी निकल गया और मैंने कुछ शूट नहीं करा, बस जो सुबह एक क्लिप देखी थी बस वही शूट करी। और भाई मेरी लाइफ ऐसी, जिंदगी ऐसी बोरिंग सी चल रही है बस जैसे जैसे। तो भाई अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, दैट्स सैड, बट कोई नहीं। बाय द वे आज सैटरडे है और ऑलमोस्ट 8:30-9 बज रहा है, और मैंने एक क्या बोलते हैं एनिमे मूवी का नाम सुना था, क्या सुना था, ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज, हाँ तो वो देखूंगा। 1.5 घंटे की मूवी है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में। ओके तो वो मूवी तो मैं पूरी देख नहीं पाया, मतलब आज ही देखी थी, आज नहीं, और भाई पता नहीं रात कैसे हो गई, मतलब भाई 8:30 बजे देखने के बैठा था मैं, 12 बज गए 12:30। बट हाँ तो एक काम करता आज के लिए इतना ही, अभी बाकी देखते कल, बस संडे संडे और करूँगा, बाकी मंडे से जहाँ तक नई वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। हाँ तो मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट। या सो देखो भाई ऐसा है कि मेरे साथ क्या होता है ना, मैं हर महीने हर साल कुछ टाइम के बाद ऐसा करता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैश डाउनलोड करता हूँ, और भाई मैं अंधेरे में क्यों आ रहा हूँ, लाइट ऑफ कर रखा। तो या मैं मतलब क्लैश ऑफ क्लैश डाउनलोड करता हूँ और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मतलब ऐसे खेलता हूँ लगातार, और फिर डिलीट कर देता हूँ। तो मतलब अभी वही हफ्ता चल रहा है, बढ़िया क्लैश ऑफ क्लैंस चल रहा है हमारा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो कि ये जो मैंने 10 साल पुराना लैपटॉप पड़ा है, ये पड़ा है, ये भाई इतना गर्म हो जाता है ना, मतलब सर्दियों में भी विंटर्स में भी इतना गर्म हो जाता है कि मैं एक बोतल लेता था और उसकी साइड में रखता था पानी भर के, और भाई थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में ना वो पानी गर्म हो जाता था मस्त, बाद में गर्म गर्म पानी पियो। तो इसके लिए यहाँ तक आज एक कूलिंग पैड ले आऊँगा। तो जो हमारी कार है उसकी एक ही चाबी ना, तो दूसरी चाबी बनवाने जा रहे थे ऐसे बाहर काम, तो चलो वाई नॉट की जाएगा बनवाए, तो मैंने सोचा चलो भाई मैं भी बाहर चला जाऊंगा, इससे थोड़ा ब्लॉग ब्लॉग भी बन जाएगा। और ये है नई वाली, एज इट इज़ कॉपी हो गई, मतलब या मतलब इनके पास एक मशीन सी रहती है उससे कर लेते हैं, मतलब जैसे जैसे जुगाड़ लगा के कॉपी, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। और अभी बस चल रहे हैं वापस, और अगर बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा बहुत सारा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, ये रहे कुछ ऐसा है। वो जो भी मैंने देखा है ना वॉकी टॉकी टाइप सा, तो उसमें पता नहीं उसमें कुछ होता है उससे करके बनती है। तो हम रास्ते से आ रहे थे और गन्ने का जूस वाला मिला, तो वाई नॉट वेरी वेरी टेस्टी गन्ने का जूस, सबको पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड आई एम बैक। हाँ तो एक काम करेंगे, आज के विषय नहीं रखते, आज वैसे संडे, और ये वीडियो एडिट करके मेरे को मंडे को डालनी है, मैं वीकली डाल रहा हूँ, मंडे को आई थिंक 6 बजे आएगी जहाँ तक है, जितना मैंने गणित लगाई है उस हिसाब से तो 6 बजे आ जानी चाहिए। बाकी अभी फाइल सारी ट्रांसफर करके एडिट मारूंगा, और आज के लिए इसे नहीं रखते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं चला, बाय बाय।